सट्टा लगाते एक व्यक्ति को रंगे हाथ किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि खडीमा शहर में सट्टे का कारोबार फल फूल रहा है। वहीं पुलिस द्वारा लगातार सट्टे के कारोबार पर अंकुश लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि खडीमा बाजार चौकी में जब होशियार सिंह ने चौकी इंचार्ज का कार्यभार संभाला, तब से कई इसमें का कारोबार करने वाले और सट्टे का कारोबार करने वालों को जेल भेजा गया है। इस्लाम नगर में अगर कोई छुप छुपा कर सट्टे का कारोबार करता भी है तो पीछे से आवाज़ आती है कि भागो भागो होशियार आया। वहीं बाजार चौकी प्रभारी होशियार सिंह का खौफ इतना है कि कुछ लोगों ने तो सट्टे के कारोबार से तौबा तौबा कर ली है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं अभी भी सट्टे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। वहीं कल बीती रात भी बाजार चौकी प्रभारी गश्त पर थे कि अचानक एक व्यक्ति को सट्टे की पर्ची लगाते हुए दबोच लिया। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम मोहम्मद नवी पुत्र मोहम्मद बली निवासी वार्ड नंबर 5 इस्लाम नगर खडीमा बताया। वहीं खडीमा कोतवाली SSI अशोक कुमार ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि सट्टे व अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी के चलते कल बीती रात एक व्यक्ति को सट्टे की पर्ची लगाते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 8700 रुपये व एक सट्टा पॉकेट डायरी व काले रंग का बाल पेन प्राप्त हुआ है। वहीं व्यक्ति पर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है। साथ ही SSI कुमार ने कहा कि सट्टे के कारोबार पर हर तरह से अंकुश लगाया जाएगा। अब देखना ये होगा कि सट्टे का ये काला कारोबार कब तक बंद होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। गोडिया इस्लाम नगर क्षेत्र में काफ़ी दिनों से सट्टेबाजी की शिकायत आ रही थी। इसी शिकायत पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए ये मोहम्मद नबी पुत्र मोहम्मद बली निवासी वार्ड नंबर 5 इस्लाम नगर को सट्टा लगाते हुए मई 8700 रुपये नगद और जो सट्टे के जो उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त को 13G 31 में मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजा है। बिल्कुल नियमित रूप से सट्टा जो भी और ये अवैध शराब, इसके विरुद्ध नियमित रूप से अभियान जारी रहेगा और नियमित रूप से काम।